शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ के आज के मुख्य अध्यक्ष चीफ गेस्ट श्री कृष्ण सिंघल जी, प्रिंसिपल प्रोफेसर रामा शर्मा, मेरे मित्र मेरे साथी प्रवीण कुमार जी। और मेरी परवरिश ऐसी हुई थी तो मुझे मंदिर में भी बहुत कठिनाई का सामना मुझे करना पड़ा, डर डर के, छुप छुप के, यू नो, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो जैसे पिक्चर में हम करते हैं, जब कोई किसी को कठिनाई का सामना करना होता है तो भगवान की मूर्ति को देख के मंदिर में जाके वो घंटी बजाता है, भगवान की मूर्ति, भगवान की प्रतिमा को देख के वो भगवान को पुकारता है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। वो सब मैंने किया लेकिन मुझे खुशी नहीं मिली। तो बाद में मैंने सोचा मंदिर में खुशी नहीं मिले, खुशी ढूंढने के लिए मैं विदेश गया। मैंने सोचा विदेश में पैसे हैं, वहाँ विकास है, तो वहाँ पर खुशी मिलेगी। तो एक्चुअली अभी मैं हूँ 38 इयर्स ओल्ड। तो मैं पैदा तो बहुत ही गरीब हुआ था, उसके बाद मंदिर भी हमारा कोई इतना अमीर नहीं था, लेकिन यूरोप में जब मैं गया और वहाँ कुछ प्रवचन देने लगा और मेरे कुछ अच्छे स्पॉन्सर्स बन गए, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए और 28 साल की उम्र में आई वॉज अ मल्टी मिलियनेयर। मैं करोड़पति था, वो भी ठीक ठाक, वो भी यूरोपियन वाला करोड़पति। दिस इज ऑल ट्रू, आपको नहीं लगेगा आज कि ये गंजा आदमी लाल पीला चोला पहन के, ये लग तो नहीं रहा कि ये यू नो यूरोप गया हुआ ये करोड़पति रहा होगा। लेकिन मेरे पास उस वक्त बहुत पैसा था, 10 साल पहले। मेरा भाग्य अच्छा था, मेरे पिछले जन्म का कर्म अच्छा होगा कि मुझे, मैंने बहुत ऐशो आराम किए, मैंने खुशियाँ ढूंढी, गाड़ियों में ढूंढी, होटल्स में मैंने ढूंढा और खान पान सब में ढूंढा। एक वक्त तो क्या था, मेरे पास कुछ गाड़ियाँ थे जिसका जो हमारे पूर्वजों में था, आजकल कम होते जा रहे हैं, जो हमारे संतों में था, हमारे स्वामी जी, यू नो ऑल दिस ग्रेट स्पिरिचुअल बींग्स, दे हैड दिस पावर। सो एनालाइज दैट, आप doesn't matter which religion you belong to, especially religion that came from this land, भारत देश से जो भी religion आए हैं, मैं जानता हूँ, मैं वाकिफ हूँ, you analyze, उसमें आपको दिखाई देंगे, these are very similar, ठीक है? और देखिए आज के लिए दुख की विषय ये भी है कि बहुत सारे युवाएं खुशी को पाने के लिए नशा करना, उसमें से भी सबसे बुरा ड्रग्स करते हैं, that is not the answer। लद्दाख में भी अभी थोड़ा थोड़ा, देखिए लद्दाख तीन जगहों से जुड़ा हुआ है, ईस्ट मनाली, वेस्ट श्रीनगर, ऊपर हवाई जहाज। अब मुझे लगता है पाताल से भी लोग निकल के आएंगे। पिछले साल तो एक दिन में 30,000 लोग आए थे लद्दाख में। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हैंडल करने के लिए,
मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग हमारे क्षेत्र को देखने आए, हमारे देश के विभिन्न भागों से परिवार वासी लद्दाख में आए, सिंधु दर्शन में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट देन इट इज बिकम वेरी क्राउडेड एंड साथ ही साथ कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, ड्रग्स का भी वो हो रहा है। तो आजकल के जो युवाएं हैं उनको थोड़ा सा भी कठिनाइयों का लग, थोड़ा सा भी यू नो दे गेट सम सफरिंग, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। बाहर तो बहुत मजे ढूंढ मिल ही नहीं, देन दे व्हाट दे डू दे टेक ड्रग्स। सो प्लीज ये मेरा आपसे निवेदन है, एज योर ब्रदर एज योर स्पिरिचुअल गुरु, नेवर ऑलवेज से नो टू ड्रग्स। ठीक है, मैं भी जब विदेश में था मेरे बहुत सारे साथी थे वो ड्रग्स करते थे, हम घूमते फिरते थे। सॉरी मैंने तो आज तक कभी नहीं की, क्योंकि मेरी माता जी जो यहाँ पर है मयूर रिंचन अम्मो, उन्होंने मुझे बचपन में कहा था कि बेटा तुम जिंदगी में कुछ काम है ना बिल्कुल मत करना, ड्रग्स को बिल्कुल हाथ मत लगाना, जुआ बिल्कुल मत खेलना, झूठ कभी मत बोलना। ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स जो हमारे रिलीजन्स में होते हैं वो मेरी माँ ने मुझे सिखाए थे। लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों दोस्तों ने कोशिश की, रिंपोचे थोड़ा सा ट्राई कर लो आपको मजा आएगा, मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा क्यों, सब कुछ ट्राई करना पड़ता है, यू हैव टू ट्राई एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ एवरीथिंग। देन आई सेड आई एम सो सॉरी, विल यू ट्राई माय वेस्ट, जो ह्यूमन वेस्ट होता है वो आपको ट्राई करते हो, नहीं वो क्यों, वो ट्राई करने वाली चीज नहीं है। हाँ तो ड्रग्स भी ट्राई करने वाली चीज नहीं है। एजुकेटेड तो मैं हूं नहीं, लेकिन थोड़ा सा विजडम था कि आई कुड एसोसिएट ड्रग्स विद हॉरिबल डर्टी थिंग्स लाइक ह्यूमन वेस्ट फॉर एग्जाम्पल। सो यू जस्ट से नो टू सच थिंग्स, ठीक है, प्लीज डोंट डू दैट। यू डोंट नीड ड्रग्स, यू डोंट नीड अल्कोहल, यू डोंट नीड ऑल दिस नेगेटिव थिंग्स टू बी हैप्पी। आई एम टेलिंग यू, आई डोंट नो हाउ मच टाइम आई हैव, बट आई विल ट्राई टू गो थ्रू सम ऑफ द पॉइंट्स आई हैव रिटन डाउन। सो अभी देखिए रिसेंटली यू नो वी वेंट थ्रू सो मच हार्डशिप, दो साल यू नो दो सालों तक कोविड हुआ था, वी वेंट थ्रू सो मच हार्डशिप्स एंड आई रियली होप, मुझे उम्मीद है हम सब वी हैव बिकम वाइजर आफ्टर कमिंग थ्रू सच हार्डशिप्स। इतने सारे मतलब दुख को देख के मुझे उम्मीद है वी बिकम वाइज पीपल, मोर कंपैशनेट, वो मुझे अभी भी दिख रहा है। बट देन बिकॉज ऑफ द साइक्लिक नेचर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, फिर हम अपने आप फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे पहले चलता था वैसे आ रहे हैं। तो डोंट प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ऑल द इमेंस सफरिंग दैट वी हैव सीन वी हैव फेस्ड, लर्न फ्रॉम इट एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ सफरिंग। बुद्ध ने कहा था यू नो व्हेन बुद्ध गॉट इनलाइटेंड, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आप सबने शायद सोचा नहीं होगा, आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन। व्हेन बुद्ध गॉट इनलाइटेंड फ्रॉम बोध गया ही ट्रेवल टू वाराणसी, है कि नहीं सारनाथ, जहां पर पहला प्रवचन दिया था उन्होंने कुछ साथियों को। उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि ओ बहुत मजे आ रहे हैं, इनलाइटनमेंट इज सो नाइस, मोक्ष प्राप्त करना बहुत मजे वाली चीज है। अगर हम होते हैं, अगर हम विदेश जाके वापस आते हैं तो हम कहते मुझे तो थाईलैंड में बहुत मजा आया, बार्सिलोना में बहुत मजा आया, यूएस में तो हमने इतना मजा किया। नहीं, बुद्ध ने ये नहीं कहा था, बुद्ध ने कहा था सबसे पहला द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, संसारा इज द नेचर ऑफ सफरिंग, उन्होंने ये कहा था। तो इतना डिप्रेसिव बात बुद्ध ने क्यों कहा, है कि नहीं, उन्होंने खुशी वाली बात क्यों नहीं कही, बिकॉज ही वॉन्टेड अस टू एक्नॉलेज द ट्रू नेचर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। वन सेंसेशन, मन में परिवर्तन आने के लिए दुख का उन्होंने उपयोग किया। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे पिछले अभी एक दो साल में क्या हुआ, कोविड का कितना हुआ, यू नो हाउ मच सफरिंग वाज कॉस्ट, लर्न फ्रॉम सफरिंग, चाहे कलेक्टिव सफरिंग हो चाहे पर्सनल सफरिंग, पर्सनल लॉस हो या कलेक्टिव लॉस हो, लर्न फ्रॉम सफरिंग, ट्राई टू रिनाउंस, इनर रिनाउंसिएशन, ये बाल काटना लाल कपड़े पहनना दिस इज नॉट रियल रिनाउंसिएशन, यू कैन लिव योर नॉर्मल लाइफ, आप जैसे जिंदगी जीते हो ना ऐसे जियो, बट बिकम अ बेटर पर्सन, बिकम मोर कंपैशनेट, करुणा पैदा करो अंदर, मैत्री पैदा करो, धैर्य पैदा करो, या काइंडनेस, प्रैक्टिस ऑल दिस गुड थिंग्स, इसका कोई फंडा नहीं है। लॉट्स ऑफ पीपल कम टू मी, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कहते हैं रिंपोचे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे कोई मंत्र पढ़ा दीजिए। मैंने कहा भैया
गुस्से के लिए कोई अलग सा मंत्र नहीं होता है। गुरु पूछे मेरे हाथ में पैसा नहीं रह रहा है, मुझे एक मंत्र पढ़ा दीजिए कि मेरे हाथ में पैसे आ जाए। मैंने कहा ऐसा भी कोई मंत्र नहीं होता है। गुरु पूछे मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे ऐसा कोई मंत्र पढ़ा आप मुझे सिखा दीजिए या कोई पूजा यंत्र। मुझे यंत्र भी लगा कि वासी यंत्र बहुत पसंद करते हैं, शुखिर बोलते हैं हम उनको। मुझे कुछ कर दे, मेरे सर के ऊपर हाथ रख लीजिए, बस मेरा वो सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। पीपल आर लुकिंग फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस, कोई फंडा हैप्पीनेस का कोई फंडा नहीं होता है। इट बिकम्स अ प्रैक्टिस, चाहे आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, प्रैक्टिस बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग, प्रैक्टिस कंपैशन। मैं कहता हूँ ना दिल्ली में मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ, मेरी अपनी गाड़ी है छोटी सी, मैं चलाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। क्यों? लद्दाख में जब मैं रहता हूँ सब मुझे जानते हैं, सब जानते हैं और सब मेरे बहुत इज्जत करते हैं। मैं सबसे प्यार करता हूँ, वो मेरी इज्जत करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ मुझे धैर्य प्रैक्टिस करने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि कोई मेरे ऊपर गुस्सा ही नहीं करता है। जब मैं गाड़ी चलाता हूँ ना बेचारे वो लोग गाड़ी को तो पता नहीं कहाँ घुसेड़ देते हैं और ऐसे प्रणाम कर जाते हैं, स्टेरिंग को छोड़ के ऐसे प्रणाम करते हैं। आगे भैया पूरा जमा हुआ है रोड, मोड़ भी है, -20 डिग्री है, मैं वहां से आ रहा हूँ और वो लोग स्टेरिंग को छोड़ के प्रणाम करते हैं। यू नो इतना रिस्पेक्ट करते हैं, जिसका मैं बहुत आभारी हूँ। बट लद्दाख में मुझे पेशेंस धैर्य का प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए मैं दिल्ली आता हूँ। Honestly, दिल भी हाथ लगते हैं। भगवान का दिया जलाया हुआ है, भगवान की प्रतिमाएं हैं, महालक्ष्मी की प्रतिमा है। आई विल नॉट लाइ टू यू, या इतने सारे एल्डर्स हैं, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू। दिल्ली आने का मेरा मुख्य विषय क्या है? आई वॉन्ट टू सी हाउ स्पिरिचुअली डिवेलप्ड आई एम। लद्दाख में तो बैठ के बातें करना आसान होता ना, इट्स वेरी सिंपल। बाथरूम के अंदर अपने आप को शावर करके साफ करना आसान होता ना, सारी व्यवस्थाएं हैं वहां पे, गीजर का गर्म पानी है, शावर का ठंडा पानी है, साबुन है, लूफा है, सब कुछ है, शैम्पू भी है। वैसे मुझे शैम्पू का तो कोई मेरा कोई मतलब नहीं रहता, बट अगर आप कीचड़ में देखे, आई एम नॉट कंपेयरिंग दिल्ली, ओके, आई एम जस्ट सेइंग इन जनरल डिफिकल्ट सोसाइटी जहां पर भाग दौड़ होते हैं। अगर आप एनोलॉजिकली मैं से कह रहा हूं, अगर आप कीचड़ में रहकर साफ रह सकते हैं, आई थिंक दैट्स मोक्ष पदम की तरह। सो आई कम टू डिफिकल्ट सिचुएशंस जहां लोग मुझे नहीं जानते। कभी कभी मैं रूपोचे का वेश पहन के जाता हूँ, लोग मुझे घूर के देते हैं, पता नहीं चाइनीज कहाँ से आएंगे, ये जापानीज कहाँ से आएंगे, और कहते हैं सर जापान चाइना, नहीं भैया, अच्छा मजनू को टीला, नहीं अच्छा दिल्ली में हाँ, नहीं जहाँ पर दो सरद है जिसके बीच में बर्गर का जो वो होता है ना, वेजिटेरियन बर्गर जो कटलेट है, वेजिटेरियन की बात कर रहा हूँ, हाँ उसकी तरह जो बीच में रह रहे हैं ना वो वाले लद्दाख, हाँ नहीं चिंग पॉन्ग वॉन्ग पॉन्ग कुछ नहीं। आई टेल यू फनी स्टोरी, ओके, पिछली बार आई वाज वेयरिंग माय नॉर्मल क्लोथ्स, जस्ट ट्रैक पैंट्स, आई वाज, कोविड का टाइम था, आई थिंक कोविड की थोड़ा सा बात था, मास्क पहना हुआ था, यू नो जस्ट वेयरिंग सिंपल क्लोथ्स, कुछ काम था मुझे, तो मैंने गाड़ी कहीं पार्क कर ली, बुक लगी थी, ठीक है। एक्चुअली क्या था, मुझे HDFC बैंक में वहाँ कुछ काम था, पैसे डालने थे, गाड़ी को वहाँ खड़ा किया, क्रेडिट वाले आके गाड़ी को ले जाने लगे, भाग के गए, भैया कहा प्लीज़ गाड़ी को मत ले जाओ, मैं लद्दाख से हूँ, मुझे मालूम नहीं उसके बाद क्या क्या करना होता है, प्लीज़। उन्होंने कहा नहीं जाओ जाओ जाओ, तो मैंने गाड़ी को फिर पार्किंग में डाल दिया। फिर मैंने सोचा अब तो कुछ खाना पड़ेगा, यू नो बैंक में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैंने सोचा मोमोज खा लेता हूँ, तो मैं स्टॉल में गया, दिस इज़ ए जोक, तो स्टॉल के ऊपर गया, वहाँ पर एक भैया थे, ठीक है, मास्क तो पहना होता लेकिन आंखें देख ली, तो ऐसे मोमो से भैया उन्होंने कहा क्या चाहिए, मैंने कहा वेज मोमो एंड चीज मोमो, दो प्लेट भूख लगी थी, तो उन्होंने वैसे डाल रहे थे, मुझे देख रहे थे, जैसे कहा नेपाल से हो, नहीं क्यों लगते हो, मैंने कहा भैया लगते तो आप भी बहुत खुश हो, मैंने कुछ कहा आपसे, मोमो दे दो मैं चलता बनूंगा, मेरे ऐसे ले लो, तो वो कहने लगा आप कहाँ से हो, तो बात कर ली उससे, बट जस्ट अ साइड जोक। सो आई कम टू दिल्ली, इट्स माय पेशेंस, कभी कभी जाओ तो मैंने देखा, यू नो द वर्ल्ड भयंकर निस्तनाबूद, यू नो प्रचंड, इन सब का मतलब मैंने तब देखा भागीरथ पैलेस में, दिवाली से 2 हफ्ते पहले, ओहो जो मैकडॉनल्ड से वहाँ पे एंट्री कर, मैं ऐसे ऐसे घूम रहा था, मेरे अंदर वो नहीं था, लाइक आई कुड नॉट, सहज नहीं था मैं अंदर जा सकूँ,
वहां से लोग निकल के आ रहे थे, यू नो, ओ माय गॉड, अंदर गया तो एक अलग सा दुनिया था। सच ए चैलेंज। दिल्ली में मैं कहता हूँ, अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बिना गुस्से किए अगर आप पहुंच सकते हो, आप मोक्ष को जल्दी प्राप्त हो जाओगे। केवल दिल्ली में कहूंगा, दिल्ली एनसीआर कहूंगा, क्योंकि आजकल सब कुछ नजदीक हो गया ना, तो दिल्ली वालों को लगेगा कि नहीं, रिपोचे तो हमारे को ज्यादा बुराई कर रहे हैं। नहीं, दिल्ली से मुझे प्यार है, ये मेरा दूसरा घर है। या मैं बचपन से हम दिल्ली में आते रहते हैं, मुझे दिल्ली बहुत अच्छा लगता है। एनीवे, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो उसके बाद मैं ये कहूंगा कि अगर आप अपने अंदर धैर्य, पेशेंस, करुणा, या कंपैशन, मैत्रेय, लविंग काइंडनेस, ठीक है, करुणा और मैत्रेय के बारे में दो शब्द कहूंगा। हाउ डू यू डिफरेंशिएट कंपैशन एंड लविंग काइंडनेस? दोनों सेम लगते हैं ना, है कि नहीं? दोनों सेम लगते हैं। कंपैशन शुड बी यू अंडरस्टैंड द सफरिंग ऑफ अदर पीपल, ठीक है। कंपैशन इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सफरिंग ऑफ अदर पीपल, ऑफ अदर एनिमल्स, सेंटिंग बीइंग्स। लव और लविंग काइंडनेस, मैत्रेय, इज टू विश देम हैप्पीनेस, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। सो यू नीड बोथ ऑफ देम, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ऐसे नहीं कि इमोशन में आके ओ बेचारा, नो, दैट इज एन इमोशनल रिएक्शन। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट समबडी इज गोइंग थ्रू और हैज बीन थ्रू, दैट इज रियल कंपैशन। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड ग्रो एंड रिलेट, फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस कंपैशन। अंडरस्टैंड करना होता है, समझना होता है। अगर आपने चौराहे पे कोई बेचारे किसी कुत्ते को देख लिया, वो बेचारा भौंक रहा है, समझो नहीं, वो बेचारा वो भौंक रहा है, नहीं समझो वो क्यों भौंकेगा। बेचारा शायद उसका पिल्ला, यू नो, है दैट पप, मर गया होगा, पता नहीं, यू नो, भूख लगी होगी, ठंड लगी होगी। जस्ट ट्राई टू इमेजिन, अपने आप को उस कुत्ते की जगह पर रखो, एक्सचेंज योर सेल्फ, ठीक है। अगर आपको अगली बार कोई आपको कष्ट दे रहा है, एक्सचेंज योर सेल्फ इमीडिएटली। आपको भी कैसा लगेगा अगर कोई आपको गली गलौज दे, बुरी नजर से देखें, टोकते रहें? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, देन इट बिकम्स ईजियर टू बी कंपैशनेट। अपनी जगह मत बैठो, अपने आप को एक्सचेंज करो, अपने आप को दूसरे के जूते में डालो, देन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंपैशन। देन इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू फील लव, उनके प्रति मैत्री आपको करना आसान रह जाता है। सो अनदर थिंग आई वॉन्ट टू रिमेंबर, मैं चाहता हूँ आप सब याद करें, बी कंपैशनेट विदाउट गेटिंग इमोशनल, ठीक है। बी कंपैशनेट, लर्न हाउ टू बी कंपैशनेट विदाउट गेटिंग इमोशनल। हम एकदम इमोशनल हो जाते हैं ना, बी कंपैशनेट विदाउट गेटिंग इमोशनल। लव, लव विदाउट गेटिंग अटैच्ड, वेरी डिफिकल्ट। लव ओपनली विदाउट गेटिंग अटैच्ड, these two I wanted to remember. I think we are running out of time slowly. तो मैं चाहूँगा, I don't know how much time we have left. ठीक है, so मैं चाहूँगा कि we will do some Q&A session, question answer. I think then उसके बाद, you know, I will continue. I will try to answer. है ना? I think we'll do some question answer. मैं जिस society से हूँ, उसमें बताया जाता है कि बुद्ध मुस्कुराए। तो उस मतलब कि what is the secret behind Buddha's smiling? एंड थर्ड वन, आपने दुख के साइकिल के बारे में बोला, तो क्या कोई रास्ता है जिससे हम ये दुखों के साइकिल, जो सौरो लूप है, उससे बाहर निकल सकते हैं? धन्यवाद जी। द डेफिनेशन ऑफ रियल हैप्पीनेस, एक्चुअली यू कैन नॉट डिफाइन रियल हैप्पीनेस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। उसको हम कोई, उसका कोई वैल्यू देना, उसको मतलब इस तरह से है, उस तरह से है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब इट। But real happiness, I think it's like mother's love for a son. Yeah, little bit. हमारे शास्त्र में भी लिखा है, जिस तरह से माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, that is the like kind of definition. थोड़ा सा हम समझ सकते हैं what is the definition of real happiness. But otherwise, it's very difficult to quantify happiness. It's very subjective. It's very relative. इसलिए मैं एक बात और कहना चाहूँगा. This world, this phenomena that we experience, everything is relative. Remember that also. सब कुछ dependent है. It's all depending. It's all relative. It all depends. आपको कोई अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, it depends. It's relative. आपको कोई बुरा लगता है, that also depends. Your opinion about yourself, that's also relative. Everything is relative.
सो हैप्पीनेस इज ऑल्सो रिलेटिव बट ट्रू हैप्पीनेस इज वेरी डिफिकल्ट टू उसका डेफिनेशन देना बट हम शास्त्रों में कहते हैं कि जैसे माँ का बच्चे के ऊपर प्यार होते वैसे द बुद्ध स्माइल बुद्ध कभी यूजली ही इज डिपिक्टेड स्माइलिंग लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब 6 साल उन्होंने बहुत गाय में बिताए थे भूखे प्यासे आई डोंट थिंक ही स्माइल दैट मच दैट आई एम श्योर बट आई थिंक ही स्माइलिंग ही स्माइल इज ऑलवेज वी कॉल इट जूम इन बॉडी वी कॉल इट जूम जूम डजंट मीन लाइक ही वाला जूम मीन्स बेसिकली जस्ट अ सिंगल वेरी हिंट ऑफ स्माइल या बिकॉज बुद्ध इज नॉट लाइक अंदर वो नाच नहीं रहे होते उनके अंदर एक ट्रैंक्विलिटी होती है There is a sense of tranquility, peace. यानी लेते पर नहीं शिवा हो. You know, मोक्ष क्या होता है? It's a sense of tranquility. तो उनके अंदर एक अजीब सा, you know, we cannot define what the Buddha feels. लेकिन अंदर से बहुत ही वो tranquil है. तो वो मतलब इस तरह से जोर से तो नहीं हंसते पागलों की तरह. लेकिन like उनका छोटा सा smile होता है. Just to depict his inner feeling. And what was the third question? Sorry. क्योंकि हमने बहुत बुरे कर्म किए हुए हैं वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस साइकिल ओनली वी कैन गेट आउट विद द यूज ऑफ विजडम रियलाइजेशन ऑफ द अल्टीमेट ट्रूथ So these are now we are going slightly into advanced Buddhist philosophy. But uske liye we have to understand that everything is dependent on each other. That there's no single existing phenomena. But for that you need many years of studies and meditation. But in order for you to understand that, you need the karmic conditions. Sunam ke song. So jaise aag lagane ke liye lakdi ki zarurat hoti hai ki nahi? Hai na? अगर आपके पास छोटा सा तिल्ली जिसको माचिस की तिल्ली होती है आप आग जलाएंगे तो आग भी इतना जैसा आएगा ना लेकिन अगर आपके पास इतना सारा लकड़ी इकट्ठा होगा इस हॉल के बराबर तो आग भी उतना ही बड़ा आएगा और उतने ही समय तक जाएगा दैट इज वाई एक्यूमुलेशन ऑफ गुड कर्मा गुड कर्म को एक्यूमुलेट करना सुनन की सो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक ऑफ विजडम ये ना दिता था जी तो पेशे रखते थे सुन शांति देव ने कहा था So accumulation of good karma is very important. And good karma can only be accumulated with love and compassion. Yeah, and patience. And these are good qualities. Any questions? Gautam Buddha. Sir, my question is that sometimes we feel that what we are thinking. We don't know ourselves that we are feeling in ourselves. We are happy or sad. Sometimes we want to cry, but we can't cry. अगर कभी जोर से रोना आता है रो लो अच्छा लगेगा सर आता है मन करता है रो लो पर रो नहीं पाते तो ऐसा करो दिवाली का वेट करो भागीरथ पैलेस जाओ 2 हफ्ते पहले आपको रोना आएगा सॉरी जस्ट टेक इट बैक इन योर हार्ट जी बट आई विल टेल यू व्हाई जैसे देखिए ये ग्लास है ठीक है ग्लास का पानी है अभी साफ है अगर इसके अंदर मैं मिट्टी मिला देता हूँ ना और इसको मैं हिलाता हूँ ठीक है इसको मैं हिलाता हूँ तो इसमें धुंध छा जाएगा और आपको इसमें क्लियरली दिखाई नहीं देगा इट वोंट बी क्लियर दिस ग्लास बट द मोमेंट यू पुट द ग्लास डाउन फिजिकली ग्लास को अगर आप टेबल पे रखते हो ऐसे करके इसके अंदर जो धूल मिट्टी है वो आहिस्ते आहिस्ते नीचे आ जाएगी तो आपको क्लैरिटी दिखाई देगा दैट इज व्हाई बुद्ध को देखिए एंड सी एनी अदर गॉड They're not like, you know, jumping up. Some of them, just to depict their activity, haan, kabhi-kabhi wo log in dancing mudra, walking mudra hote hain, but majority, they're sitting down. Why? Because sitting down is the ultimate practice. Only when you sit down physically, you stop engaging yourself in all these disturbances. Jisse humare man disturb ho jata hai, humare jo sensory, aankh, kaan, naak, वो सब डिस्टर्बेंस कम हो जाते हैं इसी जगह तक सीमित रहती है इट बिकम्स इजियर फॉर द डस्ट टू सेटल मेरे ख्याल से मुझे लगता है आपके आगे लैपटॉप है उसके ऊपर नेटफ्लिक्स चल रहा है एक टैब में दूसरे टैब में शायद हॉटस्टार चल रहा है तीसरे टैब में मुझे दिख रहा है आपका वूट चल रहा है उसमें आप बिग बॉस का सीजन देख रहे हो आपका मोबाइल फोन भी यहाँ पर है आपने ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर किया हुआ है
आपने जोमैटो से भी कुछ ऑर्डर किया हुआ कि दोस्त भी आने वाले, हाउ कैन यू कॉन्सेंट्रेट? आपको खुद पता नहीं चले कि कौन सा डिलीवरी बंदा फोन कर रहा है. इट्स अ बिट लाइक दैट. यू सिंप्लीफाई योरसेल्फ, है ना. हमारे जो थॉट्स है, बैठने से, योग करने से, मेडिटेशन करने से, सांस के ऊपर ध्यान देने से, या कोई मंत्र जापने से, अपने आप हमारे अंदर का जो धुंध है वो नीचे आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद अगर आपको 100 कॉल्स भी आएंगे, यू कैन क्लियरली आंसर बिकॉज योर माइंड विल बी वेरी काम. अभी आपका माइंड काम नहीं, इसलिए आपको पता नहीं चलता कि मैं रोऊं कि मैं हंसूं. ठीक है. लेकिन कभी कभी अगर ज्यादा रोने का मन है तो रो लो फिर, इट्स गुड. क्राइंग इज हेल्थी, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है. थैंक यू. मंच पे विराजित अभी तो बात नहीं है, और धर्मगुरु कहना शायद छोटा शब्द होगा. जिस प्रकार का वक्तव्य आपने दिया है, जिस प्रकार का उद्बोधन आपने दिया है, जिस प्रकार का एड्रेस हम सबके सामने किया है, तो मुझे लग रहा था कि भगवान कृष्ण जो है ना वो युद्ध क्षेत्र में गीता का ज्ञान दे रहे हैं. नमस्कार. आज के दिन 100 वर्ष का विशेष आयोजन कर रहा, विशेष शताब्दी वर्ष मना रहा दिल्ली विश्वविद्यालय के, अपने 75 वर्ष पूरे करने जा रहा हंसराज कॉलेज के सभागार में, आज जिन दो विशेष आयोजनों के साथ मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, उस मंच पर आज के मुख्य अतिथि श्री कृष्ण सिंगल जी को सुना तो हंसराज कॉलेज कृष्ण में हुआ. आज मुख्य वक्ता परगैर पहुंचे जी को सुना तो लगा हंसराज कॉलेज बुद्ध में हुआ. इस बुद्ध में और कृष्ण में हुए हंसराज कॉलेज के इस मंच से मैं विशेषकर मनोज जी, सौरभ जी के साथ साथ हंसराज कॉलेज के सभागार में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को नमन करते हुए हंसराज कॉलेज के प्रत्येक सदस्य की तरफ से, इस सभागार में उपस्थित एक एक सदस्य की तरफ से, मैं रिंपोंछे जी को, माता जी को सादर नमन करना चाहती हूँ. हंसराज कॉलेज युवा आज आपके आगे नतमस्तक है कि आपने परगारिन पहुंचे जी, आपने कहा जीवन ऐसा जियो जिसमें कोई मोह ना हो, सबका ध्यान रखो लेकिन किसकी मोह माया में ना फंसो. आपने साक्षात उदाहरण दिया अपने माध्यम से कि माँ ने मुझे जन्म दिया, माँ ने मुझे बड़ा किया, मैंने मेरी माँ ने सपने देखे होंगे लेकिन मुझे लगता था मैं माँ के सपने को पूरा करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया, मुझे कुछ और करना है. लेकिन आपने सब कुछ छोड़ दिया, आप लद्दाख से यूरोप चले गए, आप उस दिल्ली में आ गए जिस दिल्ली में आकर आपको लगता है कि मोक्ष आसानी से मिल सकता है, उसी मोक्ष नगरी के सभागार में आपको अपनी माता दिखती है, आप माता को याद करते हैं. Thank you.